अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जय सियाराम, मंगलमुखी हैं हम, राम जी का वरदान है हमें। हर खुशी के मौके में हमारे बिना कुछ नहीं होता, तो इस घर की खुशी के मौके में हम ना नाचे कैसे हो सकता है। बजा रे चंपा। हम जानते थे ये इतने आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। क्या हो रहा है? ए राजा, ऐसे निराश करके भेजेगा हमें? हम तो इस घर की खुशी बांटने आए थे। कौन सी खुशी? यही खुशी कि इस घर पे एक नन्ना मुन्ना। दीदी, लगता है इन लोगों को दरवाजे पर आई खुशी को वापस लौटाने की पुरानी आदत है। आप ये लीजिए, आने के लिए शुक्रिया। चलो री चंपा शब्बो। मना किया था ना मैंने तुम्हें इस घर में दोबारा कदम रखने से। सुनो, मैं कौन सा रोज रोज आती हूँ, लेकिन मेरे सोना के परिवार में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है तो उसमें शामिल होने तो आना पड़ेगा ना। किस खुशी की बात कर रही हो तुम? यही कि कुछ महीनों में इस परिवार में एक नन्ना मुन्ना सा मेहमान आने वाला है। हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। माँ, माँ, ये जरूर इसकी कोई चाल है। आप सभी इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। और तुम, खुशी में अगर तुम जैसे लोग शामिल होने लगे तो खुशी बचेगी ही कहाँ। निकल जाओ उस घर से। चली जाऊंगी केत की, चिंता क्यों करती हो? और दादी, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए आप मुझे शगुन भी नहीं देंगी? इसका मतलब तुम लल्ला की बच्चे की? ये क्या बकवास कर रही हो? ये कैसे पॉसिबल है? कैसे पता है दादी? मैंने तो सोचा था कि एक दिन ये खबर भी मैं आपको दूंगी, लेकिन क्या करें, आपके लल्ला को मेरे प्यार की कदर ही नहीं है। लेकिन खैर, जो औरत इस घर में माँ बनने वाली है ना, वो मैं नहीं। अच्छा, इसीलिए तुम दोपहर को अचार के डब्बे में से कच्चे आम ढूंढ ढूंढ के खा रही थी?
अरे वाह, बधाइयां जी बधाइयां। अरे साले साहब मुबारक हो, वाह वाह वाह। ऐसा कुछ नहीं है, और हम पेट से नहीं है। तो फिर ये किसकी बात कर रही है? अच्छा चलो, अब सस्पेंस खत्म ही कर देते हैं। शोना, ये लो, अपनी आंखों से ही देख लो। पता नहीं ये भैया को फोन में क्या दिखा रही है। सेंटर केतकी के साथ कहां गई थी तू? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। भैया वो हम क्या है? अरे रूबी की भाभी प्रेग्नेंट है। अगर रूबी की भाभी प्रेग्नेंट है और रूबी अपनी भाभी के साथ हॉस्पिटल चली गई तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे बोरिया, तुम माँ बनने वाली हो? अरे तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन तुमने सबसे पहले हमें क्यों नहीं बताया बोरिया? अरे कैसे हो सकता है, जब केतकी और मेरे बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता ही नहीं है तो माँ कैसे बन सकती है? रिश्ता नहीं रहा? अगर तुम दोनों के बीच में कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रहा तो फिर केतकी माँ कैसे? मतलब ये बच्चा वरदान तो नहीं है? बकवास बंद करो, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ है, विश्वास नहीं हो रहा ना, तो ये रिपोर्ट अपनी आंखों से देख ली। क्या रहा हफ्ते की प्रेगनेंसी? केतकी, कह दो ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो सच क्या है? ये घर वालों को बताऊं मैं कि असल में प्रेग्नेंट कौन है?
इसका मतलब जिसने हमें वो मैसेज भेजे थे, जिसने आज घर पर पालना भेजा था, वो वरदान जी के मेहमान थे। लेकिन अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं और हम रोबी का सच घर वालों के सामने नहीं आने दे सकते। अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।